गाय काट रहा था और गाय हंस रही थी। ये सब देख के कसाई बोला, मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो? फिर गाय बोली, जिंदगी भर मैंने घास के सिवा कुछ नहीं खाया, फिर भी मेरी मौत इतनी दर्दनाक है। तो हे इंसान, जरा सोच, तू मुझे मार के खाएगा तो तेरा अंत कैसा होगा? दूध पिलाकर मैंने तुमको बड़ा किया, अपने बच्चों से भी छीना, पर मैंने तुमको दूध दिया। रूखी सूखी खाती थी मैं, कभी ना किसी को सताती थी मैं, कोने में पड़ जाती थी मैं, दूध नहीं दे सकती मैं, अब तो गोबर से काम तो आती थी मैं। मेरे उपले की आग से तूने भोजन अपना पकाया था, गोबर गैस से रोशन करके तेरा घर उजलाया था। क्यों मुझको बेच रहा रे उस कसाई के हाथों में, पड़ी रहूंगी एक कोने में, मत कर लालच, मैं हूँ तेरे कृष्ण की प्यारी, वह कहता था जग से न्यारी। उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी, मत कर बेटा तू ये पाप, अपनी माँ को ना बेचा। रूखी सूखी खा लूंगी मैं, किसी को नहीं सताऊंगी मैं, तेरे काम ही आती थी मैं, तेरे काम ही आऊंगी मैं। अगर आप गौ माता से प्यार करते हैं और आपने गौ माता का दूध पिया है तो इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा बहुत दूध का कर्ज चुकता करें। सबकी एक पुकार, गौ हत्या अब नहीं स्वीकार। गौ माता की ये पीड़ा जन जन तक पहुंचने के लिए केवल 2 मिनट का समय निकालकर दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।